नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आभा और पेश है खास खबर। 10 दिन पहले किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक व्यापक स्तर पर आंदोलन की शुरुआत की थी। आज 10वें दिन उस आंदोलन की समाप्ति का ऐलान कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के गुरुद्वारा सिंह सभा में एक सभा का आयोजन किया गया, जहाँ पर किसान नेता और किसान जो है वो मौजूद रहे। इन्होंने आपस में चर्चा की इस आंदोलन को लेकर और समाप्ति को लेकर, आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई है। हमारे साथ इस पूरे आंदोलन में गंगानगर जो किसान नेता है मनिंदर मान, और दूसरी तरफ जो दूध विक्रेता यूनियन है उसके जिला अध्यक्ष सुभाष स्वामी भी मौजूद हैं। इन दोनों ने ही सक्रिय भूमिका निभाई थी, लिहाजा इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या आंदोलन में रहा और आगे की रणनीति क्या रहेगी। जी मनिंदर मान जी, पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे क्या रहा, अब समाप्ति घोषणा कर दी गई है, आखिरकार इस पूरे मामले में अब क्या रहा? जिस तरह ये कॉल थी एक राष्ट्रीय लेवल की, 1 से 10 तारीख तक का किसान गांव में, किसान अपना माल मंडी में नहीं लाएगा, ये एक जागृति का आंदोलन था। ये हमारी जो डिमांड है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, ये वो डिमांड है जो मोदी जी ने चुनावों से पहले और अपने घोषणा पत्र में कही हुई है भी, जो ही हमारी सरकार बनेगी हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। यही उनको याद करवाने के लिए हमने 1 से 10 तारीख का आंदोलन रखा कि सरकार को याद आ जाए कि हम अपनी जो घोषणा पत्र में कह चुके हैं, जो वादा कर चुके हैं वो हम भूल चुके हैं, और किसान उसको 10 दिन में उसको याद कराएगा, उसको सद्बुद्धि आए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे। यही हमारा उद्देश्य था और हम इस उद्देश्य में सफल हुए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने बड़े प्रेम से आंदोलन किया। कुछ जगहों पर कुछ घटनाएं हुई, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ IT सेल हैं पार्टियों के, उन्होंने छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना बना बना के दिखाई, और जो अच्छा काम किया किसानों ने, जो वृद्ध लोगों के लिए दूध सप्लाई की, जो वहाँ सब्जी के लिए स्टार्च लगाई, वो नहीं दिखाया, ये दिखाया, जो नेगेटिव हुआ वो ज़्यादा दिखाया। सफल रहा किसानों का आंदोलन, और किसानों को ये शिक्षा भी मिली कि हम अपना सामान अपने रेट पर बेच सकते हैं, चाहे वो 2% लोगों को किसानों ने बेचा, लेकिन उनको ये एहसास जरूर हुआ, उनमें कॉन्फिडेंस बना, आत्मविश्वास बना कि हम अपना सामान अगर खुद भी बेचें तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि मंडी की छोटी सी घटना बताऊँगा, जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ मंडी में टमाटर 2 रुपये किलो थे, और जब किसान आंदोलन के बाद खुद बेचा किसान ने तो 20 रुपये किलो बेचा, ये एहसास किसान को हम दिलाना चाहते थे और बड़े आराम से। जो देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसके आसपास जो मांगे उठाई जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ एक मांगों को मान लिया जाता है। अभी भी चुनाव नज़दीक हैं, विधानसभा के कहें या लोकसभा के कहें, तो बावजूद उसके कोई ऐसा कोई सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम न उठाया जाना, किसानों की जो मांग है, क्या लगता है आपको, क्या कि सरकार नहीं चाहती है? ये तो हम पहले से कह रहे हैं भी, ये सरकार किसान विरोधी है, और किसान सरकार ने खुद ही शो कर दिया भी हम किसानों से कोई बात नहीं करना चाहते। जिस तरह उन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया, वो हिंदुस्तान के नागरिक ना होकर किसी और देश के नागरिक हैं, और यही हम लोगों को, किसानों को भी समझाना चाहते थे, BJP सरकार किसान विरोधी है, इससे बचना पड़ेगा, और यही एक जन जागृति हमारा अभियान है, उसी का एक रूप है। कई जगहों पर यही किसान आंदोलन धड़ों में बढ़ता नजर आया, गंगानगर की क्या सूरत रही, आपसे जानना चाहेंगे? गंगानगर में किसान एक है, और धड़े तो देखो किसान ग्रुप बहुत हैं, अलग अलग विषय, अलग अलग मुद्दे पर किसान संघर्ष करते हैं। जिस तरह पानी के मुद्दे पर किसानों ने संघर्ष किया, फसलों के भाव पे संघर्ष किया, अलग अलग पार्टियों के किसान संगठन बने हुए हैं, लेकिन गंगानगर में लगभग सभी किसान इकट्ठे होकर ये आंदोलन किया, और सक्सेस हुआ गंगानगर का आंदोलन। ऐसा है, 1 से 10 जून का आंदोलन था, 6 तारीख तक आंदोलन पर नाकों पर रखा गया, और बाद के 4 दिन जो है वो पूर्णतः गांव बंद किए गए। 6 तारीख के नाकों के आंदोलन में भी हम सफल हुए, और जहां तक पूर्णतः गांव बंद का सवाल था तो अभी जागृति आ रही है। जिस दिन मेरे एक एक किसान को ये जागृति आ गई कि मैंने मेरा अन्न मेरा दूध शहर नहीं भेजना रोष की वजह से, उस दिन हम सफल हो जाएंगे। ये लड़ाई अंतिम लड़ाई नहीं है, लड़ाइयाँ इससे आगे भी जारी हैं। कुल मिलाकर हमारा आंदोलन सफल रहा, लेकिन कुछ इसमें दिक्कतें आई जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ नौजवान लड़के उत्तेजित भी हुए, कुछ गलत अंसर इस आंदोलन में घुस गए, जिन्होंने इसको पवित्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश भी की। हालांकि समय रहते उन अंसरों की पहचान भी की गई, उन्हें खदेड़ा भी गया, लेकिन फिर भी ये आंदोलन मैं सफल मानता हूँ। 6 दिन तक पूर्णतः दिन रात रख के सप्लाई काटी जानी, ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है। क्या था 6 तारीख के बाद? देखिए, कोई भी आंदोलन 100% सक्सेस नहीं होता। एक बच्चा पेपर भी दे तो वो भी 100% नंबर लेके नहीं आता, और हम भी नहीं ये चाहते थे कि 100% का 100% जो है रुक जाए, क्योंकि शहरी भाइयों को अपना जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन हम जहाँ तक 80-85% तक सफल हुए, गंगानगर की सप्लाई 15% रह गई थी,
तो 85% तक की सफलता कोई थोड़ी सफलता नहीं है। कांग्रेसी बिल्कुल शामिल नहीं थी, यही मुझे दिक्कत है। मुझे दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हमारे साथ हर आंदोलन में रहते हैं उन्हें हम कांग्रेसी नहीं मानते। वो गंगानगर किसान समिति के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे प्रतिपाल जी संधू हैं, जगदीश जी जांदू हैं और हैं। लेकिन कांग्रेसियों को और सभी पार्टियों को हमने आह्वान किया था कि अपना झंडा डंडा छोड़ के आए, लेकिन पूरे जिले में इन कुछ चंद नेताओं के अलावा जो किसानों के साथ रहते हैं कांग्रेस कहीं नहीं दिखी कि अपनी पूरी बॉडी के साथ आई हो। ये आंदोलन किसानों का था, ये आंदोलन किसानों के नेतृत्व में रहा और हमने जो अपेक्षा की थी विपक्ष से, और हमने तो सत्ता के नेताओं से भी कहा था कि जो किसानों के साथ है वो आए, लेकिन जितनी अपेक्षा हमने नेताओं से की थी या राजनीतिक पार्टियों से की थी वो राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन में नहीं आई। ये आखिरी लड़ाई नहीं है, लड़ाई अभी शुरू हुई है। एक वो नारा है कि अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये लड़ाई शुरू हुई है। हमने अपने किसानों को बहुत हद तक जागृत किया है। सरकार भले ना मानी हो, खुदा भले ना मिला हो, लेकिन विसाले सनम जरूर मिला है। सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी ये अलग बात है, लेकिन हमारे किसान जागृत हुए हैं, पहले से बहुत जागृत हुए हैं, और हमारा अगला कदम इससे बड़ा होगा, लेकिन उसका प्रारूप क्या होगा ये अलग बात है। इसी के साथ हमारे साथ जो दूध विक्रेता यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष स्वामी मौजूद हैं, इन्होंने भी पूरा समर्थन दिया था इस आंदोलन को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा, आपकी तरफ से क्या रहा? ऐसा है, मेरी तरफ से मैं सीधा किसान से जुड़ा हूँ और किसान की माली हालात को मेरे को पता है। इस वजह से मैं एक मजदूर वर्ग से होता हुआ भी मेरे गंगानगर जिले की पूर्ण मोबाइल दूध विक्रेता किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। हम 10 दिन तक किसान के साथ नाकों पर डटे रहे, मेरे दूध विक्रेता डटे रहे, मैं डटा रहा और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस 10 दिन का जो आंदोलन चला सरकार पर उसका क्या असर रहा, ताकि आगे किसानों को इस तरह के आंदोलन का रास्ता ही अपनाना ना पड़े। श्रीगंगानगर से कमलदीप के साथ सुनील सिडाना, SPT न्यूज श्रीगंगानगर। और ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़िए सांध्य बॉर्डर टाइम्स।